नेपाल के बुटवल में समृद्ध समाज के लिए स्व सशक्तिकरण विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। मुख्यालय से आई बीके शिलू ने जीवन में अध्यात्म को अपनाने का किया आह्वान। अब रोड में 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सुरक्षित जीवन खुशहाल जीवन पर रात्रि चौपाल। स्वयं की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करने का आह्वान। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में फोर्थ आयुर्वेदा डे के उपलक्ष्य में ब्रह्म कुमारीज को भी निमंत्रण। बीके पायल एम्बेसडर ऑफ आयुर्वेदा की उपाधि से सम्मानित। और आखिर में नेपाल के बीरगंज एवं टेक्सास के डलास में रिलीज हुई गॉड ऑफ गॉड्स फिल्म। बड़ी संख्या में फिल्म देखने आए लोगों ने की प्रशंसा। नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और मैं हूं तुलसी। बुलेटिन की शुरुआत आज नेपाल से है, जहां बुटवल के ग्लोबल पीस रिट्रीट सेंटर में समृद्ध समाज के लिए स्व सशक्तिकरण विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश नंबर 5 के प्रमुख धर्मनाथ यादव, सांसद भोज प्रसाद श्रेष्ठ, भगवती देवी भंडारी पुष्पा चौधरी, बुटवल उप महानगर पालिका के नगर प्रमुख गोमा देवी आचार्य, ब्रह्म कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू से आई वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके शिलू, रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके कमला द्वारा दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। इससे पूर्व बीके शिलू के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर स्थानीय सदस्यों द्वारा परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। वहीं मंच पर भी सभी अतिथियों का सम्मान हुआ। इस दौरान बालिकाओं द्वारा कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गयी। नजरों से ही दुनिया को, नजरों से ही दुनिया को निहाला जो करते हो, निहाला जो करते हो। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता बीके शिलू ने समाज को सुखी एवं समृद्ध बनाने के लिए जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान एवं राज्यों को शामिल करने की प्रेरणा दी। वही इस अवसर पर मौजूद अन्य विशेष अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। किसी के आप अवगुण देखो तो आपको आप उनसे जुड़ जाएंगे, और किसी के गुण देखो तो आप उसके प्रति जरूर अच्छा सोचेंगे। तो इसीलिए परमात्मा हमें क्या कहते हैं कि अपने मन को, अपने विचारों को सदा सकारात्मक सोचो, तो आपका मन भी श्रेष्ठ बन जाएगा, आपके जीवन में भी शांति आएगी, आपके परिवार में शांति आएगी। आप मुख्यालय माउंट आबू में स्थायी रूप से रहकर राजयोग शिविरों का सकुशल संचालन कर रही हैं। ये भूटोल लुम्बिनी के नजीक के भूटोल में हमने साक्षात शिव शक्ति लाई यहाँ उपस्थित देखना पाएगा सब, प्रवाहला हमें सुन पाएगा सब, इस अवसर पर कई शिक्षाविद, न्यायविद, राजनीतिज्ञ, चिकित्सक, वैज्ञानिक, व्यापारी, समाज सेवियों समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। यातायात के नियमों का पालन अर्थात स्वयं की सुरक्षा, यदि हम थोड़ी भी लापरवाही करते हैं तो जान पर भारी पड़ जाती है। लापरवाहियों का कारण ही है यातायात के नियमों का पालन न करना। वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति सचेत करने के उद्देश्य से ब्रह्म कुमारीज के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आबू रोड स्थित शांतिवन परिसर के समक्ष सुरक्षित जीवन खुशहाल जीवन विषय पर रात्रि चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा, संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुरेश, यातायात निरीक्षक अजय पुरोहित, सहयोग सड़क सुरक्षा समिति आबू रोड के अध्यक्ष बी के जगदीश, उपाध्यक्ष बी के सत्येंद्र, उदयपुर से आई विशेष अतिथि सुनीता उपाध्याय ने अपने अपने विचार रखे। यहाँ पे शाम को ज्यादातर लोग गाड़ी चलाते हैं जिनकी उम्र 18 से लेकर 25 से 30 साल के बीच में शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। मोटरसाइकिल वो सवार शाम को शराब पीकर चलाते हैं, और ये सारे एक्सीडेंट होने का टाइम लगभग शाम का है, सूर्यास्त के बाद का। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सबसे मेरा अनुरोध है कि गाड़ी चलाएं, उससे पहले कभी भी शराब का सेवन नहीं करें। दूसरा, मोटरसाइकिल पर जब भी बैठें हेलमेट लगाएं। कहते हैं सुनना, समझना, स्वीकार करना और अप्लाई करना।
जब चारों कंडीशन पूरी हो जाती है तब आपको अनुभव होता है कि आप सुरक्षित हैं या नहीं हैं। और जब आप अनुभव कर लेते हैं कि हाँ एक्सीडेंट होने की स्थिति में भी मैं सुरक्षित रह सकता हूँ, हेलमेट पहना है तो सीट बेल्ट पहना है, तब आप अथॉरिटी के साथ दूसरों को भी कह सकते हैं। और वो सशक्तिकरण दिलाने के लिए, मन को जागृत करने के लिए ही ब्रह्मा कुमारीज राजयोग मेडिटेशन सिखाती है, जिसके आधार पर हम अपने जीवन की न केवल इस सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी को अपनाने के लिए मन से तैयार होते हैं, लेकिन जीवन के हर कदम पर अपने जीवन का आनंद लेने की प्रक्रिया को सीख सकते हैं। इस दौरान कार्यक्रम के अंत में मौजूद लोगों से सड़क सुरक्षा के नियमों का नियमित रूप से पालन करने की अपील करते हुए प्रतिज्ञा भी कराई गई। मैं उस परम पिता की शपथ लेता हूं कि आज के बाद मैं सड़क पर वाहन चलाते समय समस्त यातायात नियमों का पालन करूंगा और मेरे साथी, मेरे परिवारजनों और मित्रों को भी यातायात नियमों के बारे में जागरूक करूंगा। छत्तीसगढ़ में राजिम माघी पुन्नी मेला यानी आस्था, आध्यात्मिक एवं संस्कृति के त्रिवेणी संगम मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। सम्मेलन के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य रूप से उपस्थित थे, जिन्हें इंदौर से आए धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण एवं राजयोग शिक्षिका बीके पुष्पा ने ईश्वरी सौगात भेंट की। कार्यक्रम में बीके नारायण, बीके पुष्पा व सभी संत महात्माओं का सम्मान गरियाबंद के जिला कलेक्टर ने शील्ड व माला पहनाकर किया। इस कार्यक्रम में आचार्य महामंडलेश्वर अग्नि, पीठाधीश्वर ब्रह्म ऋषि श्री राम कृष्णानंद जी महाराज अमरकंटक मुख्य रूप से उपस्थित थे। यूपी सरकार द्वारा निकाली गई गंगा यात्रा के भदोही भ्रमण के दौरान पशुधन राज्य मंत्री एवं भदोही जिले के प्रभारी मंत्री जयप्रकाश निषाद के ब्रह्मा कुमारी के विश्व शांति भवन पहुंचने पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी ने उनका स्वागत किया और पूरे भवन का अवलोकन कराया। इस अवसर पर उनके साथ भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, नगर पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल, रजपुरा सभासद संजय यादव उपस्थित थे। इस दौरान सभी ने मेडिटेशन कक्ष में कुछ क्षण राजयोग का अभ्यास किया और परमात्म अनुभूति भी की। अगली खबर महाराष्ट्र के नागथाने की है, जहां ब्रह्मा कुमारीज द्वारा स्थानीय सेवा केंद्र की ओर से आध्यात्मिक एवं योगिक खेती प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें राज्य के कैबिनेट मंत्री बालासाहेब पाटिल और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल श्रीनिवास पाटिल ने स्टॉल का उद्घाटन किया। इस मौके पर नागथाने सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुवर्णा के निर्देशन में कई स्थानीय लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर स्वयं का एवं परमात्मा का सत्य परिचय लिया। नेपाल के बीरगंज स्थित बिसुआ के ए मैक्स सिनेमा हॉल में गॉड ऑफ गॉड्स फिल्म की रिलीज पर जल विभाग के पूर्व निदेशक एवं नेपाल सरकार के सह सचिव शंकर जायसवाल, वरिष्ठ समाज सेवी सुरेश मेहता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रवीना मुख्य रूप से मौजूद थी। इस दौरान प्रदेश नंबर 2 के सांसद भीमा यादव, उद्योग वाणिज्य संघ बीरगंज के उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ता, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ के केंद्रीय सदस्य गणेश लाट, रेडियो समग्र मधेश के प्रबंधक श्याम गुप्ता, किरण आई हॉस्पिटल के डॉक्टर अमर केयाल समेत अन्य कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने फिल्म देखने के बाद अपने अनुभव साझा किए। तर एउटै हो उहाँ बिन्दुमै हुनुहुन्छ, समर्पित हाम्रो आत्मा सुनै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाइयो, त्यसले म धेरै प्रभावित भएँ। ईश्वर प्राप्तिको लागि विभिन्न ठाउँमा भटकिराख्नु भएको छ, एउटा दिशा निर्देश गर्ने यो चलचित्रले कहीँ न कहीँ प्रयास गरेको छ, सफल प्रयास गरेको अवस्था हामीले हेरिराखेका छौँ। अहिलेको जुन समाज विकृति फैलिँदो विकृतिहरू छ त्यसको लागि अति उपयोगी छ। यस्तो यस्तो सिनेमा देखाएर हाम्रो जुन यङ स्टार छ उनीहरूलाई हामी ट्र्याक बनाउन सक्छौँ। इस फिल्म को शहर के नामी ग्रामी हस्तियों समेत जीतपुर, सिमरा, पिलुआ, अलाव एवं अन्य कई नगरों से 2000 से अधिक लोगों ने देखा और जाति धर्म भेद से ऊपर उठकर एक परमपिता परमात्मा का सच्चा परिचय प्राप्त किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में नेमावर रोड स्थित शिव शक्ति सरोवर द्वारा विशाल शिव दर्शन आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में
द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ साथ नशा मुक्ति चित्र प्रदर्शनी, बच्चों के लिए नैतिक मूल्यों के चित्र आदि लगाए गए हैं। इस मेले का उद्घाटन इंदौर के कमिश्नर आकाश त्रिपाठी, जोन इंचार्ज बी के आरती समेत अन्य कई अतिथियों द्वारा दीप जलाकर किया गया। यहाँ प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के तत्वावधान में ये जो शिव शक्ति सरोवर और ये जो मेला लगाया गया है, इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लिया गया। एक तो सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का एक जगह पे व्यक्ति दर्शन कर सकता है, साथ ही साथ एक आदर्श गांव की परिकल्पना और उसमें किस प्रकार से उसको डेवलप किया जा सकता है, और इसके अलावा आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो मेडिटेशन और अन्य प्रकार की विधाएं हैं उन सभी के बारे में एक व्यापक परिचय दिया है, साथ साथ नशा मुक्ति का भी संदेश दिया है। मैं समझता हूँ इससे समाज को बहुत फायदा होगा और आसपास के गांव और शहर सभी से लाभान्वित होंगे। और यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगम को बनाया गया है इसलिए कि आके जनता अपने परिचय को जाने, परमात्मा को जाने और उसके साथ कैसे संबंध जोड़ना है, राजयोग के माध्यम से परमात्मा को याद करना है, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत आपा धापी है, बहुत दुख शांति है और इस दुख शांति में सब चाहते हैं कि हम भगवान को याद करें। इस मेले का कमिश्नर आकाश त्रिपाठी समेत कई अन्य स्थानीय लोगों ने अवलोकन किया, साथ ही अंत में बीके सदस्यों द्वारा अतिथियों को ईश्वरी सौगात भेंट की गई। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स स्थित यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में 4th आयुर्वेदा डे के उपलक्ष में हुए कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया, जिसमें त्रिनिदाद से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के पायल ने संस्था का प्रतिनिधित्व किया। ब्रसेल्स में इंडियन एम्बेसी के सहयोग से हुए इस आयोजन में करीबन 30 देशों से आयुर्वेदा कम्युनिटी के कैप्टन शामिल हुए। इस मौके पर बी के पायल को एम्बेसडर ऑफ आयुर्वेदा इस उपाधि से नवाजा गया। यह कार्यक्रम पार्लियामेंट्री होस्ट जेफरी वान ऑर्डेन, APPG साइंसेज एंड सेक्रेटरिएट अमरजीत एस भामरा द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसकी स्थापना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस अवसर पर MEP दिनेश धमीजा, नीना गिल, जो लेनिन, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपियन यूनियन में भारत के एम्बेसडर गायत्री इसर कुमार मुख्य रूप से मौजूद थी। पूरे विश्व में परमात्मा की प्रत्यक्षता करने एवं उनके गुणों व कर्तव्यों की जानकारी देने के महत्वपूर्ण उद्देश्य से 5 भाषाओं में बनाई गई ब्रह्मा कुमारीज की फिल्म गॉड ऑफ गॉड्स भारत समेत अब विदेश में टेक्सास के डलास स्थित सिनेमार्क थिएटर में भी दिखाई गई। यह फिल्म स्वयं का, परमात्मा का एवं 5000 साल के अनंत विश्व ड्रामा का रहस्य स्पष्ट करती है, साथ ही अपने अंदर छिपे दिव्य गुणों की जानकारी भी देती है। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बी के रंजन समेत फिल्म देखने आए दर्शकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। Really appreciate the effort and enthusiasm they have put. So thank you very much for making this movie. Who are we and who is God? And there's a lot of confusion in this world about those questions. And this movie really answered it in the perfect way and great visuals and everything. So just really sweet movie overall. I thought it was really accessible for people of other faiths. Really easy to grasp the concepts and very well told. So a lot of things that we don't know, Westerners especially do not know about this stuff, and I think it wraps it all in a very good package. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।